एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का अभी फरमान हमने देखा, जैसे ही मुख्यमंत्री बने यादव जी, उन्होंने एक फैसला सुनाया कि जितने भी जो दुकानदार है, छोटे मोटे जो मटन मछली बेचते हैं, इनको लेकर एक फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप बिना परमिशन के सार्वजनिक स्थल पे मटन मछली नहीं बेच सकते। तो इससे जो है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, चाहे वो आदिवासी समाज से भी है, उसमें SC से भी है, OBC से भी है, मुस्लिम समाज से भी है, मछली बेचने का काम मात्र एक समाज नहीं करती है, धीमर समाज भी इसका काम करती है। तो इसके माध्यम से सरकार ने जो छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं, जो मछली पकड़ के बाजार में बेचते हैं, भूंज के बेचते हैं, रोड के किनारे जमीन पे फट्टी में बेच के, वहां फट्टी बिछा के भूंजते हैं, उनके ऊपर कड़ा प्रहार करिए। ये पूरा मछली का व्यापार या छोटा छोटा मुर्गी का मटन बेचने का ये व्यापार है, इनसे एक परिवार का घर चलता है, लेकिन शासन ने इनके ऊपर जो प्रहार करी है, इससे गंदी मानसिकता दर्शाई है। अब ऐसे कानून बनाना और ऐसे कड़ा पाबंदी बनाना, इससे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए कि आज के समय में हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आप एक तरफ नौकरी नहीं दे रहे हो, आपको नौकरी देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालना चाहिए था, उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार है बेचारे, जो छोटा छोटा धंधा करके अपना घर परिवार का पेट पालते हैं, उनके ऊपर प्रहार करना, ये गलत मानसिकता को दर्शा रहा है। और इसका हम समस्त कार्यकर्ता आज ये तामिया ब्लॉक के ग्राम बीजाढाना में एकत्रित होकर हम इस चीज का विरोध करते हैं, और आने वाले समय में सरकार के इस तरीके के फैसले का हम विरोध करते हुए हम ज्ञापन भी देंगे। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके के आप फैसला लेके आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपका काम था कि हमारे लिए अलग से रोजगार के ऑप्शन देना, अलग से रोजगार के साधन हमें उपलब्ध कराना, आप उल्टा हमसे हमारे रोजगार के साधन छीनने का काम कर रहे हैं। इससे जो है एक समाज, एक जाति के लोगों को टारगेट नहीं किया गया है, इससे पूरी की पूरी जनता को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आज क्या हो गया, उन लोगों का जो गांव में बेचारे एक टाइम मछली बेचते थे और अपना घर का खर्चा चलाते थे, अब ये कागज के चक्कर में तहसील जाएंगे, वहां से आवेदन लगाएंगे, वहां से परमिशन लेंगे, उनकी गाइडलाइन बनेगी, इतना सारा तामझाम एक गांव का व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन आज सरकार गांव के लोगों से रोजगार छीनकर उनको एक बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। अचानक एक व्यक्ति के लिए ऐसा कानून बना देना और उनका अचानक मछली बेचना अगर बंद हो जाएगा तो उनका घर का खर्चा कहां से चलेगा। और ऐसे ही सरकार और कलेक्टर, शासन प्रशासन मिलके आम नागरिक और छोटे छोटे धंधा करने वाले लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसका खिलाफ हम पूरी की पूरी जनता है और शासन प्रशासन तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके द्वारा लिया गया ये निर्णय हम सबके खिलाफ है। आप ऐसे निर्णय लेने से पहले आपको सोच और विचार करना चाहिए। अस्तामिया की जनता आज यहाँ पर बैठ के इस चीज को लेकर बात रखी, आने वाले समय पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसका विरोध करेंगे। और हम कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार के बने हुए अभी मुश्किल से कुछ दिन हुए हैं और इस तरीके के फैसला लेना, लाउड स्पीकर करवाना बंद करवाना, आप मंदिर मस्जिदों से स्पीकर हटवाने का फैसला दिला रहे, अरे आप उन चीजों में नहीं सोच रहे हैं कि किसान के साथ क्या हो रहा है, किसान के फसल का कितना दाम मिल पा रहा है, आप ये नहीं सोच रहे कि कितने सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि कोर्ट कचेरी में कितने सारे लोगों का केस चल रहा है, इसको लेकर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप निर्णय लेंगे लाउड स्पीकर वाले, आप निर्णय लेंगे मटन मछली बंद करने वाले, ये विवादित निर्णय लेने का ये फैसला किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहे, लेकिन हमारी मुख्य मांगों पे आप बिल्कुल फोकस न करें। कई किसान आज बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं, अधिकतर किसानों की जमीन गिरवी रखी हुई है, बैंक कई लोगों से पैसा वसूली करने के लिए उनको बहुत टॉर्चर कर रही है, ऐसे मुद्दे पे बिल्कुल नहीं सोच रही है सरकार। किन मुद्दों पर सोच रही है, भाई मटन मछली मत बेचो, अरे हर एक आदमी खाते हैं, हम भी मटन मछली खाते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें आसानी से हमारे गांव मोहल्ले में मटन मछली मिल जाए, कोई भी आदमी बेचते हुए आ जाए और हमें आसानी से यही मिल जाए, कहां बाजार जाए 2-4 किलोमीटर गाड़ी चला, हम भी आसानी से मटन मछली मिल जाए चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मटन मछली नहीं खाता, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को तुम खाने के लिए उनको पाबंदी लगाने लगो, इतने सारे नियम कानून बनाने लगो। अरे मटन मछली खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और बचपन से हम खाए हुए लोग हैं, लेकिन इस तरीके के फैसला लेकर हमें मार्ग से, दिशा से भटकाने का काम किया जा रहा है, लड़वाने का काम किया जा रहा है। हम शासन से निवेदन करते हैं कि पूरे छिंदवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी शुरुआत आज तामिया के छोटे से ग्राम से आपको देखने को मिला। हम लोग लड़ेंगे,
खाने के लिए भी लड़ेंगे, पढ़ने के लिए भी लड़ेंगे, जमीन बचाने के लिए भी लड़ेंगे, और हमारी जमीन अगर छीन हो गए तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। हम पैदा ही लड़ते हुए हुए हैं, और सरकार ये काम अगर लगातार करेगी तो हम लड़ना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम गुलाम होकर शांत बैठने वाले लोग नहीं है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सुन ले कान खोल के इस बात को कि हमारी जल और जंगल जमीन बचाने के लिए हम जैसे लड़े थे, वैसे ही हम हमारे लिए इस प्रकार के खाने पीने की चीजों में पाबंदी लगाने वाले फैसले के खिलाफ भी हम लड़ने के लिए तैयार है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम उन तमाम बाजार में, बाजार हाट में और मार्केट में मछली मटन बेचने वाले तमाम छोटे छोटे व्यापारियों से आग्रह करना चाहते हैं कि उठिए, अपने हक और अधिकार के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है, घर में दुबक के आप मत बैठिए, हमारा साथ दीजिए, गोंडवाना के लोग आपके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा कोई कांग्रेस के लोगों ने नहीं उठाया, ये मुद्दा सर्वप्रथम गोंडवाना के लोग आज सड़क में उतर के उठा रहे हैं। उन तमाम छोटे छोटे व्यापारियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप बेचिए मटन मछली, आप बेचिए, गांव गांव जाकर आप बेचिए, आसानी से हर गरीब के घर तक भी मटन मछली पहुंचे, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और सरकार के ऐसे फैसले का हम विरोध करते हैं। और आइए आप हमारा साथ दीजिए, आइए सड़क में उतर के हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं। अगर आप हमारा अभी साथ देते हो तो आपकी हर छोटी छोटी चीजों के लिए, हर एक मूलभूत जरूरतों के लिए हम सड़क में उतर के आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन लोग आपके साथ खड़े और कौन लोग आपके खिलाफ है। आज इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बड़ी बड़ी पार्टी है, वो नहीं उतर रही सड़क में, लेकिन आज गोंडवाना के लोग हर छोटे छोटे व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इसलिए सही लोगों का पहचान करें और हमारा साथ दें, और हर तहसील ब्लॉक में इसको लेकर आप ज्ञापन दें, ताकि हर एक गरीब व्यक्ति अपना घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसी तालाब नदी से मछली बेचकर निकाल के आसानी से बेच सके, क्योंकि 12 से 12 बहना मछली नहीं मिलती जी। इसलिए जो है कभी मछली बेचते हैं तो कभी छोटे छोटे सब्जी भाजी बेचते हैं, इस तरीके से गांव के लोग अपना खर्चा पानी चलाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार को ये बिल्कुल फिक्र नहीं है, सरकार चाहती है कि बस तुम लड़ते रहो, भिड़ते रहो, इसलिए बिल्कुल लड़ते रहिए और हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे फोटो ले लो।